हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी के बारे में हम डिटेल एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम 4 से 5 या 6 फैक्टर्स को जो है हम कवर करेंगे, जिनमें से जो है पहला फैक्टर ये है कि व्हाट इज़ विटामिन डी। तो विटामिन डी क्या है, किस लिए ज़रूरी होता है। सेकेंड हम कवर करेंगे व्हाट हैपन्स व्हेन वी हैव विटामिन डी डेफिशिएंसी, यानी कि क्या होता है जब हमारे अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। और तीसरा हम कवर करेंगे व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी, यानी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी के क्या क्या लक्षण हैं और कैसे पता कर सकते हैं आप कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी है या नहीं है। और चौथा हम कवर करेंगे व्हाट आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। और चौथे में हम कवर करेंगे कि नेचुरल सोर्स क्या है, यानी कि प्राकृतिक सोर्स क्या है विटामिन डी को प्राप्त करने के, खाना हो या और क्या चीजें हो सकती है जिनसे हम विटामिन डी ले सकते हैं। पांचवा हम कवर करेंगे हाउ मच विटामिन डी वी नीड, यानी कि हमें कितना विटामिन डी की जरूरत होती है। और छठा हम करेंगे कवर तो क्या हमें सब विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, छठे नंबर पर हम ये कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और कोई सर्टिफाइड न्यूट्रिशन भी नहीं हूँ। तो इस वीडियो में जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो सब का सब मेरी नॉलेज स्टडी बेस पे है। तो जो मैंने स्टडी की है, जो मैंने पढ़ा है, उसके बेस पर मैं आप लोगों को सब चीज़ें बताऊंगा। और मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स का यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि साइंटिफिक चीज़ें आपको पता ही है, साइंटिफिक टर्म्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। हम जो है इस वीडियो के अंदर एक ओवरऑल आइडिया लेने की कोशिश करेंगे कि विटामिन डी क्या होता है, क्या क्या उसके सिम्टम होते हैं, क्या हमारी बॉडी में उससे क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, और इन्हीं सब चीज़ों को हम डिटेल तरीके से देखेंगे, जिससे आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाए कि विटामिन डी है क्या। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा है व्हाट इज़ विटामिन डी, तो हम यहीं से शुरू करते हैं। तो विटामिन डी क्या है। विटामिन डी इज ए कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एंड ए ग्रुप ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन का मतलब है कि जो फैट के अंदर घुलनशील विटामिन होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर दो तरीके के विटामिन होते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो इसका काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर किस चीज की अब्जॉर्प्शन के लिए काम आता है। एक आता है कैल्शियम की, मैग्नीशियम और फॉस्फेट की। ये तीन जो है न्यूट्रेंट है, तो अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी नहीं होगा या कम होगा, तो ये हमारी बॉडी में ऑब्जर्व नहीं हो पाएंगे। तो हम सोचते हैं कि हम कैल्शियम ले लेंगे और कैल्शियम की टैबलेट ले लेंगे तो हमारी बोन हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, और लेकिन आपके अंदर विटामिन डी नहीं है तो आपकी बॉडी उस कैल्शियम को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएगी। तो इन न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करने के लिए आपकी बॉडी को चाहिए होता है विटामिन डी। तो विटामिन डी जो है 5 प्रकार के होते हैं, विटामिन D1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और ह्यूमन के लिए विटामिन D1 और D2 ही जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। विटामिन डी बेसिकली हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो हमारी बोन हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, हमारी बोन्स को रिपेयर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए विटामिन डी का होना बहुत ही जरूरी है। यदि आपको अपनी बोन हेल्थ को एकदम हेल्दी रखना है, तो उसके लिए विटामिन डी इनफ मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर होना चाहिए। साथ ही कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये हमारी इम्यूनिटी को भी थोड़ा सा बूस्ट करता है। तो सेकंड सब टॉपिक हम देखते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी हैव विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी होने के बावजूद हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, वो एक बार हम नजर मार लेते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है किसी भी उम्र के लोग में हो सकती है। ये ज्यादातर होती है बूढ़े लोगों के अंदर, क्योंकि विटामिन डी ऑब्जर्व करने की उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि उनकी स्किन पर जो है बहुत ज्यादा झुर्रियाँ आ जाती है, जिसकी वजह से धूप से हमें विटामिन डी मिलता है और धूप से वो जो स्किन है विटामिन डी को ऑब्जर्व नहीं कर पाती है। सेकेंडली, जिन लोगों की स्किन जो है बहुत डार्कर होती है, डार्कर स्किन वालों को भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी के चांस ज़्यादा रहते हैं। वैसे ये किसी भी एज में हो सकती है, इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है, पर इन दो में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, या उन लोगों में भी देखने को मिलता है जो लोग बहुत ही ठंडे देशों में रहते हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े पहन के रखते हैं और उनको डायरेक्ट जो है सनलाइट नहीं मिल पाती। सनलाइट का मतलब क्या है, धूप देखने से नहीं है, यानी कि हमारी स्किन के ऊपर सूरज की रोशनी पड़नी चाहिए, जो
विटामिन डी का नेचुरल सोर्स है वो धूप है, और धूप से हमें कैसे मिलती है कि वो हमारी स्किन के डायरेक्ट ऊपर धूप पड़ेगी तो हमारी स्किन के नीचे विटामिन डी जो है जमा होगा, फिर वो इनएक्टिव फॉर्म में होगा, बाद में वो हमारे लीवर में जाएगा, एक्टिव फॉर्म में होएगा। वो बहुत ही टेक्निकल प्रोसेस है, उसमें हम नहीं जाएंगे। जो लोग बहुत ज़्यादा कपड़े पहने रखते हैं क्योंकि सर्दी होती है, तो उनकी स्किन के ऊपर लाइट नहीं पड़ती है, तो इस वजह से उनको विटामिन डी की थोड़ी सी कमी होती है, या उन लोगों को भी हो सकती है जो लोग बहुत ही इंडोर अपना लाइफ स्टाइल जीते हैं, यानी कि सूरज की रोशनी से बहुत ही दूर रहते हैं, जैसे कि सुबह ऑफिस जल्दी चले गए, शाम को लेट आए, तो उनको धूप नहीं मिलती है, तो उनके साथ भी ये डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। और किन लोगों में ये डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है? ये डेफिशिएंसी उन लोगों में भी देखने को मिल सकती है जो एक प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, या फिर धूप से थोड़ा दूर रहते हैं, उनको भी ये देखने को मिल सकती है। कुछ लोगों में क्या होता है कि उनकी बॉडी की ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्व करने की पावर होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, उनमें भी ये चांस हो। तो चलो दोस्तों, थर्ड नंबर पे देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। जब आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होती है तो क्या क्या सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे? तो आपको जो है फटीग यानी कि थकावट मिल सकती है, फ्रिक्वेंट इलनेस यानी कि बार बार आप बीमार पड़ेंगे, इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक रहेगी, आपकी बोन्स में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, बोन पेन हो सकता है, और एनजाइटी भी हो सकती है, और आपकी जो घाव को भरने की हीलिंग पावर है, हीलिंग प्रोसेस भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी है या नहीं है। दूसरा, अगर आपको लग रहा है तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर रेयर केस में ही एक टेस्ट कराते हैं जिससे वो देखते हैं कि डेफिशिएंसी है या नहीं। बहुत ही रेयर केस में वो टेस्ट लिखते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी का, नहीं तो वो सिम्टम्स देख के ही आपको दवाइयाँ रिकमेंड कर सकते हैं, या विटामिन डी सप्लीमेंट भी रिकमेंड कर सकते हैं, और या डाइट चार्ट को भी आपको दे सकते हैं। तो चलते हैं चौथे टॉपिक पे। चौथा टॉपिक हमारा था व्हाट आर दी नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी का नेचुरल सोर्स सभी को पता है कि वो होता है सनलाइट, और सनलाइट के अंदर दो यूवी लाइटें होती हैं, रे होती हैं, किरणें होती हैं, तो उनमें से यूवी बी जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारे लिए यूवी बी रे जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, तो यूवी बी के हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आना होता है, यानी कि हमें धूप को सीधा अपनी स्किन से टच करना होता है, तो हमारी बॉडी जो है विटामिन डी को हमारी स्किन के नीचे फैट सेल्स के अंदर स्टोर कर लेती है इनएक्टिव फॉर्म में। जैसे मान लो आप बैठे हैं ऑफिस के अंदर या फिर कार के अंदर, उधर से शीशे के पार होकर धूप आ रही है, तो आप सोचेंगे कि विटामिन डी तो मेरे को मिल ही जाएगा। ये बिल्कुल ही गलत तरीका है, क्योंकि विटामिन डी के लिए जैसे कि मैंने बताया कि हमें यूवी बी लाइट की जरूरत पड़ती है, और गिलास जो होता है शीशे के आर पार यूवी बी लाइट नहीं हो सकती, यूवी ए लाइट आर पार हो जाती है और यूवी बी लाइट बाहर ही रुक जाती है, तो हमें चाहिए यूवी बी लाइट। तो आपको बिल्कुल डायरेक्ट आना पड़ेगा सनलाइट के आगे। मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, डायरेक्ट सनलाइट, इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में आए, ऐसा नहीं है कि धूप है आपने कपड़े पहने हुए हैं उसके अंदर से किरणें जा रही है, नहीं, आपकी स्किन के ऊपर धूप पड़नी चाहिए। आपने फॉरनर्स को देखा होगा टैनिंग करते हुए, वो बीचेस में पड़े रहते हैं, सनक्रीम लगाते हैं और धूप में पड़े रहते हैं, तो वो एक तरीके से वही करते हैं। बाकी टैनिंग के बारे में मैं एक अलग से स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि टैनिंग बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, तो वो बहुत बड़ा टॉपिक भी है, उसके बहुत सारे बेनिफिट भी हैं, तो उसको हम कभी किसी और वीडियो में कवर करेंगे। इसके साथ साथ कुछ फूड सोर्सेज भी हैं जिनको हम अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फैटी फिश सच एज सैलमन फिश और टूना फिश, ये आती हैं, आप इनको खा सकते हैं। बीफ लीवर भी खा सकते हैं, यानी कि गाय का दिल, हमारे इंडिया में नहीं खाया जाता है लेकिन बाहर कंट्रीज में लोग वह खाते हैं, तो वो बीफ लीवर को रिकमेंड करते हैं विटामिन डी के सोर्स के लिए। या फिर आप जो है मशरूम खा सकते हैं, एग योक, एग की जर्दी आप खा सकते हैं, उसके अंदर भी विटामिन डी होता है, और एक कोड लीवर ऑयल का कैप्सूल्स आते हैं वो भी ले सकते हैं, या डायरेक्ट विटामिन डी कैप्सूल भी आप इसके लिए ले सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पर हम डिस्कस करते हैं हाउ मच विटामिन डी वी नीड, तो हमें कितना विटामिन डी की जरूरत पड़ती है पर डे के हिसाब से। इन्फेंट से लेके यानी कि बच्चा जो अभी पैदा हुआ है 12 महीने तक के बच्चे के लिए 10 mcg विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। एमसीजी की बात कर रहा हूँ, एमजी की बात नहीं कर रहा हूँ, एमजी से नीचे आता है एमसीजी, तो 10 mcg की जरूरत पड़ती है 12 महीने के बच्चे को, यानी कि 1 साल के बच्चे को। 1 साल से
70 ईयर यानी कि 70 साल तक के व्यक्ति के लिए 15 MCG की रिक्वायरमेंट होती है पर डे की, और उससे ज़्यादा उम्र वाले 71 या फिर उससे जितनी भी उम्र ज़्यादा हो उनको 20 MCG पर डे विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है। तो या तो आप अपनी डाइट से ले सकते हैं या फिर धूप से ले सकते हैं। तो लास्ट में सबसे हम जो है डिस्कस करते हैं, शुड वी टेक विटामिन डी सप्लीमेंट, तो क्या हमें विटामिन डी सप्लीमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा इसमें भी हम गौर कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आप अपनी डाइट से उसको पूरा कर सकते हैं, और डाइट से पूरा कर सकते हैं, धूप से कर सकते हैं, जब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एक सोर्स मिला हुआ है विटामिन डी की पूर्ति करने के लिए, तो फिर पैसे खराब करना तो मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी होगी। दूसरा एक और चीज़ है कि जब हम सप्लीमेंट के थ्रू विटामिन डी लेते हैं तो एक्सेस अमाउंट में अगर वो हमारी बॉडी के अंदर रहता है तो वो टॉक्सिक हो सकता है हमारी बॉडी के लिए, है ना। तो वो टॉक्सिटी से बचने के लिए हमें नेचुरल ही लेना चाहिए। जब हम धूप से लेते हैं, फूड से लेते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतने को ही स्टोर करती है, उतने को ही ऑब्जर्व करती है, और दूसरा बाकी जो जरूरत की चीजें नहीं है उसको बाहर निकाल देती है। लेकिन जब हम सप्लीमेंट से लेते हैं, कैप्सूल फॉर्म में लेते हैं, जैसे भी लेते हैं, तो वो तो हमारी बॉडी में चला गया अंदर, अब उसको प्रोसेस करना बॉडी का काम हो गया है। तो अगर वो एक्सेस अमाउंट में है, ज़्यादा अमाउंट में है, तो वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो सकता है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो है सप्लीमेंट्स पे ना जाएं और नेचुरल सोर्स के थ्रू ही अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर किन किन लोगों को विटामिन डी सप्लीमेंट जो है रिकमेंड कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो डॉक्टर को लग रहा है कि कोई मेडिकल कंडीशन है तो, और आपके अंदर कोई विटामिन डी डेफिशिएंसी है, तो किसी रेयर केस में आपको वो विटामिन डी सप्लीमेंट रेकमेंड करेंगे, अदरवाइज वो आपको डाइट से ही बोलेंगे। पीपल विद डार्कर स्किन, जिनकी डार्कर स्किन होती है वो धूप से भी नहीं ले पाते हैं, तो उनको हो सकता है कि डॉक्टर रेकमेंड करे विटामिन डी सप्लीमेंट। मैं डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, खुद से नहीं लेनी है, डॉक्टर से ही रेकमेंड करके लेनी है। कुछ लोग होते हैं जो बूढ़ी एज में चले जाते हैं यानी कि 70 के अबव हो जाते हैं, तो उनकी बॉडी में अब्जॉर्प्शन जो है ना कम हो जाती है धूप से या फिर उनकी फूड के थ्रू, तो वहां भी हमें क्या करना होता है कि विटामिन डी सप्लीमेंट डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। और किसको दे सकते हैं? वुमन, उन लोगों, उन औरतों को जो प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रही हैं और उनके अंदर विटामिन डी की कमी है, लेकिन वो भी डॉक्टर ही बताएगा आपको कितनी अमाउंट में लेना है और कितने दिन तक लेना है। और उन लोगों को भी रेकमेंड किया जा सकता है जो लोग इंडोर रहते हैं यानी कि घरों के अंदर ही रहते हैं, धूप से उनका कांटेक्ट बहुत ही कम है या रेयर है। तो ये सब देखने के बाद, आपकी लाइफ स्टाइल को देखने के बाद, आपके सिम्टम देखने के बाद, आपकी डेफिशिएंसी देखने के बाद, रोड देखने के बाद, ओनली डॉक्टर ही ये आपको रेकमेंड कर सकता है कि आपको कितनी मात्रा में सप्लीमेंट लेना है और कितने टाइम तक लेना है और किस फॉर्म में लेना है। आज की वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि आपको एक ओवरऑल आइडिया तो हो ही गया होगा कि विटामिन डी क्या है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या इसकी डेफिशिएंसी है, और इसको पूरा कैसे किया जा सकता है, नेचुरल सोर्स क्या है, सप्लीमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई है जिससे कि आपको आगे आने वाले टाइम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इसके बावजूद जैसे भी अगर मैंने बताया कि आपको अगर कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।